हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह सनिया ड्रंक रिव्यूअर। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ड्रिंक जिसका नाम है ब्रो कोड। ये एक क्राफ्ट सेक्ट है, मतलब आप बोल सकते हैं ये एक कार्बोनेटेड वाइन है। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने देखा भी है, जो बहुत से सारे लोग इसको बियर बोल के ये कर रहे थे, तो मैं भी सोचा चलो बियर ही है तो लेके चलते हैं। बट आफ्टर रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स, इसका जो बनाने का वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कार्बोनेटेड वाइन है। इसका इंग्रेडिएंट है वाटर फ्रॉम ग्रेप जूस, इथाइल एल्कोहल, CO2, शुगर E22%। सो ग्रेप जूस, मेन बियर का जो इंग्रेडिएंट्स बनता है, बियर बार्ली से बनता है, ग्रेन से बनता है, राइस से भी बनता है, पर बियर कभी जूस से नहीं बनता है। सो ये क्या है, ये बियर है? सो नो माय फ्रेंड, ये बियर नहीं, एक कार्बोनेटेड स्पार्कलिंग वाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो एल्कोहलिक परसेंटेज है वो आपका 15% है, जो सबसे हाईएस्ट है। बियर तो बन ही नहीं सकता 15% में। और इसका जो प्राइस है 150 rupees इन असम गुवाहाटी। ये आपका 330 ml का बॉटल है। सो बाकी ये बनाने वाला क्या सोच के बनाया है तो टेस्ट करके देख लेते हैं, नोजिंग टेस्टिंग करके उसके बाद ही बता सकते हैं ये क्या पीने लायक है या नहीं। लेकिन एक बात है, 150 rupees में अगर 15% का अल्कोहल मिल रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बियर से भी ज़्यादा है, तो लोग सस्ते में अगर ये मिल रहा है 15% हाई होने के लिए पीते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैटर। ओके, चार बियर, स्ट्रॉन्ग बियर या माइल्ड बियर पीने से, चार तो बोतल पीने का वो हाई होगा जो इसमें एक बोतल में पीने से होता है, तो सस्ता नशा। सो लेट्स ओपन इट फर्स्ट टाइम। सो खोल लिए इसको, ब्रो कोड पोर करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पी ले बोल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ तो वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ पूरा ग्लास में डालने के। तो इसका कलर जो आप देख सकते हैं एकदम ही लाइट है, नॉट बियर जैसे थोड़ा डार्क होता है, जो मीडियम कलर भी होता है वैसा भी नहीं है। और उसमें जो कार्बोनेटेड है वो थोड़ा लाइट है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। सो नोजिंग कर लेते हैं। इसमें ग्रेप का एरोमा आ रहा है, ग्रेप मीठा फूटी लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर ग्रेप का ही आ रहा है। और जैसे वाइन ड्रिंक होता है वाइन, वैसे ही वाइन का आ रहा है। तो और कुछ तो रखा नहीं है, चलो टेस्ट करके देख लेते। पूरा ग्रेप जैसे लग रहा है, जैसे सरा हुआ ग्रेप। सो क्या बोलूं मैं, जैसे मैं बियर लवर हूँ और वाइन का भी लवर हूँ, लेकिन ये किसी कैटेगरी में ही नहीं बैठता है। ना बियर का वो जो टेस्ट दे रहा है वो है, ना वाइन का है, ये मतलब बीच में कहीं पे लटक के गया है। अगर 150 rupees में अगर कोई इसको ख़रीद के पीता है फॉर 15% अल्कोहल हाई होने के लिए, तो भाई ये सब्जेक्ट टू आपका ही फैक्टर है उसको क्या पीना है। बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट रिकमेंडेड, ये पीने लायक है ही नहीं। मतलब अगर कोई सोचे जब मैं
वाइन पीऊँगा, अगर ये पिला दे तो नेक्स्ट टाइम तो जीवन में कभी वाइन नहीं पिएगा, और बियर से सोच के अगर पिएगा तो वो बियर नहीं, वो कुछ और ही पी रहा है और वो कुछ और ही दुनिया में है, वो बियर लवर हो ही नहीं सकता है। सो इस प्राइस में जो मिल रहा है, अगर सस्ता नशा करना है तो ले लीजिए, पी के बस पड़े रहिए कोने में, और अगर सच्ची में मज़ा करना है तो ये मत पिए। दूसरा बहुत ऑप्शन है बियर में है, और वाइन जाएंगे तो इतना सस्ता वाइन तो कोई पिएगा नहीं, अच्छा वाइन पी लीजिए। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ 100%, ये पीने लायक चीज़ ही नहीं है, बच्चे लोगों का ड्रिंक है, मैं तो बोलता हूँ लेडीज़ लोगों का ड्रिंक है। एक लेडीज़ तो ज़्यादा पीते नहीं है, अगर वो थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ा वाइन का फीलिंग आएगा उनको, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का लोग ये पी रहा है ये ब्रोकोट बियर समझ के, तो भाई आप लोग अपना थोड़ा चेकअप करा लो डॉक्टर से, क्योंकि इट्स सॉरी मैन विल बी मैन। ओके सो आई वैल्यू फॉर मनी बट नो इस फैक्टर बोल दिया आपको, सो आई डोंट रिकमेंड इट, मत पीजिए। और अगर कोई पी रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए। और ये ड्रिंक गोवा से बनता है, ये भी आया है गोवा में बनता है, मीठा मीठा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को द ड्रंक रिगर को लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी और बियर विस्की या स्कॉच का रिव्यू लेके आ रहा हूँ खूब ही जल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, गुड नाइट एंड बी सेफ।